दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्टॉक मार्केट दबंग चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं बात करूंगा एक और बहुत ही अच्छा शेयर जो कि रिलायंस कंपनी को बिलोंग करता है, का नाम है नेटवर्क 18। उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ये बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर आइडिया हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें 75% स्टेक होल्ड करता है वाया इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट, और इसलिए ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे एक मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल लगाया है जो 18 फरवरी 2020 को पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है कि TV18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 मीडिया डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे केबल जंप अप टू 20% ऑन मर्जर न्यूज। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि ये जो चारों कंपनीज हैं इनको मर्ज कर एक सिंगल एंटिटी बनाया जाएगा, और उस सिंगल एंटिटी बनाने के बहुत फायदे होंगे और ये एक इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया एंटिटी बन जाएगा। और इस स्कीम के अंडर उनका कहना है कि TV18 ब्रॉडकास्ट हैथवे केबल एंड डेटाकॉम एंड डेन नेटवर्क्स विल मर्ज इनटू नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट विच विल बी द इंटीग्रेटेड मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विद द रेवेन्यू ऑफ 8,000 करोड़। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो मेगा मर्जर प्लान जो है, जिसका कि बहुत देर से इंतजार था, ये फाइनली उन्होंने अनाउंस किया। और उसमें उनका यही था कि नेटवर्क 18 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो इनकी कंपनी है उसमें TV18 ब्रॉडकास्ट, डेन नेटवर्क, हैथवे केबल एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है इसमें मर्ज किया जाएगा और एक सिंगल इसको कंपनी बना दिया जाएगा जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मीडिया कंपनी बनेगी। इस मर्जर प्लान के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि जिनके पास भी अलग अलग शेयर्स हैं तो उनको उसी हिसाब से, उस कंपनी के हिसाब से उनको नेटवर्क 18 के शेयर्स दे दिए जाएंगे। पहले जिनके पास TV18 ब्रॉडकास्ट के शेयर हैं तो 100 शेयर के बदले में उनको 92 शेयर दिए जाएंगे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। जिनके पास हैथवे केबल के शेयर्स हैं उनको 100 शेयर के बदले में 78 शेयर दिए जाएंगे नेटवर्क मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट के। और जिनके पास डेनवर्क नेटवर्क के 100 शेयर हैं उनको 191 शेयर दिए जाएंगे नेटवर्क 18 एंड मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इस मर्जर के बाद रिलायंस कंपनी का जो होल्डिंग है नेटवर्क 18 में कम हो जाएगी 75% से 64%। और अच्छी बात यह होगी कि पोस्ट मर्जर कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बनेगी और इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया हाउस बनेगी जिसका रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ 12 से 13 हजार करोड़ रुपए शुरू शुरू में हो सकता है। आपको मैं कुछ नेटवर्क 18 के बारे में बताना चाहता हूं। नेटवर्क 18 कंपनी है क्या, जिसके अंदर ये सारा जो मर्जर प्लान अभी अनाउंस किया गया है, तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेटवर्क 18 के अंडर एक इनका डायरेक्ट होल्डिंग है जिसको आप बड़ा सब हम सब जानते हैं, bookmyshow.com, जहां से एंटरटेनमेंट टिकटिंग की बुकिंग वगैरह होती है। और इसमें आप को ये बताता हूं कि इसमें 39% इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में नेटवर्क 18 की। तो उन्होंने मीडिया में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना की हो, और एक लंबी दूर का सोच रखते हुए एक अच्छा प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद तीन और उनके बिजनेस पिलर्स जिसको बोल सकते हैं, एक तो है ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस, हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, प्रिंट एंड मीडिया बिजनेस एंड ऑनलाइन डिजिटल न्यूज बिजनेस। तो ये क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको इसका बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल समझ आ जाए और इनका जो जो मेगा मर्जर प्लान समझ आ जाए, तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में एक बहुत अच्छा इससे फायदा हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस जो मैं पहला पिलर बोल रहा हूं, उसमें अभी इसके नीचे
इनके पास क्या है, TV18 ब्रॉडकास्ट है और Viacom18 है जो कि एंटरटेनमेंट में है और एक हिस्ट्री चैनल। तो अगर आप इसमें देखें तो TV18 ब्रॉडकास्ट में क्या है, तो हमारे पास बेसिकली चार चैनल्स हैं, CNBC, TV18 जो हम सब इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनते हैं, CNBC, TV18 HD भी है उसमें, CNBC आवाज़ हिंदी है और एक गुजराती चैनल भी है CNBC का। और TV18 के साथ CNBC का नाम लग जाने से इनको एक ग्लोबल फुटप्रिंट मिलता है। और दूसरी बात यह है कि नेटवर्क 18 जो है वो होल्ड करता है 51% स्टेक इन TV18 ब्रॉडकास्ट। सो बेसिकली आधे से ज्यादा कंपनी जो TV18 की है वो उसका नेटवर्क 18 का इसमें स्टेक है। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट जाएं तो Viacom18 जो है उसमें अगर आप देखें तो वूट एक उनका एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है या प्राइम है, वैसे ही इनका वूट प्लेटफॉर्म है। और इनके पास वूट प्लेटफॉर्म पे 45,000 घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट है और वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। और इसमें क्या है कि इनके पास बाकी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि Viacom18 मैनेज करती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मोशन पिक्चर्स में भी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मोशन पिक्चर्स बनाई हैं जो कि बहुत हिट भी रही हैं कमर्शियली और फाइनेंशियली बहुत। वैसे जिनमें से कुछ नाम आपको मालूम ही होंगे, दृश्यम, पद्मावत, मार्गरिटा विद स्ट्रॉ, मांझी द माउंटेन मैन, मैरी कॉम, क्वीन, बाघ मिल्खा बाघ, मैड्रास काफे, स्पेशल 26 एंड कहानी टू नेम फ्यू। एंड उन्होंने बाकी और लैंग्वेजेस में भी जैसे बंगाली, मराठी एंड पंजाबी एंड फ्रॉम साउथ कुछ और रीजनल फिल्म्स के लिए उन्होंने बाकी स्टूडियोज के साथ भी करार किया है। तो अभी आपको मैंने बताया कि नेटवर्क 18 जो है वो 51% स्टेक होल्ड करता है TV18 में, और अभी TV18 जो है वो 51% स्टेक होल्ड करता है Viacom18 में। सो नेटवर्क 18 बेसिकली वाया TV18 होल्ड्स स्टेक इन Viacom18 एज वेल। तीसरा इसमें ब्रॉडकास्टिंग में बिजनेस में आ जाता है हिस्ट्री टीवी, जो कि इंफोटेनमेंट अंदर के आता है, और आपको मालूम है कि इट्स ए पार्ट ऑफ AETN18 नेटवर्क विच इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन TV18 और ए एंड ई नेटवर्क्स। और इसमें एक्लेम्ड ग्लोबल ब्रांड्स लाइक हिस्ट्री, बायो, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, नेटवर्क लाइफ टाइम वगैरह के बारे में बताया जाता है। दूसरा पिलर जो वो एक खड़ा कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंट एंड मीडिया, जो कि बुक्स भी पब्लिश होती हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और उसमें आ जाता है फोर्ब्स इंडिया जो कि एक बिजनेस मैगजीन है। और मैगजीन तो आप सबने देखी होगी, इसका ऑनलाइन और ये पब्लिकेशन दोनों अवेलेबल होती हैं। और ये बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टिंग, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ बिजनेस माइंड्स के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फोर्ब्स का जो नाम इसके जुड़ा है, लेकिन इसकी सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो नेटवर्क 18 ही करती है इंडिया में। एक और मैगजीन है जो कि ओवरड्राइव ऑटोमोबाइल के बारे में है, वो भी एक नेटवर्क 18 का पार्ट है। मैगजीन आप सबने देखी ही होगी, और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो का मीडिया बेसिकली है फॉर बाइक एंड कार कम्युनिटी। इंटीरियर्स एक और इनकी मैगजीन है, एंड बेटर फोटोग्राफी भी एक उनकी एक मैगजीन है, तो ये भी एक बहुत ही फेमस मैगजीन है। एंड बेटर फोटोग्राफी तो ऑफ कोर्स सबको मालूम ही है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस को डेवलप किया है। बहुत खर्चा किया है इन्होंने अपना बिजनेस डेवलप करने में, अपने चैनल्स नए बनाने में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इनके प्रॉफिट्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारा पैसा लग चुका है और अभी रिटर्न का टाइम है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे इनके प्रॉफिट अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और प्रिंट एंड मीडिया में तो खैर उनका है ही अच्छा होल्ड। इसी तरह अगर आप देखिए तो तीसरा पिलर उनका है ऑनलाइन एंड डिजिटल न्यूज़ बिजनेस, जिसमें
सबसे पहले तो मनी कंट्रोल, तो मनी कंट्रोल के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनी कंट्रोल में बहुत बिजनेस में पैसा लगाया है इन्होंने, बहुत अच्छी तरह से इसको साइट को खड़ा किया, और आप देखिए कि कितना अपडेटेड साइट और कितनी अच्छी न्यूज़ और कितना अच्छा बिजनेस रिलेटेड आइटम्स ये पेश करते हैं। और ये मैंने सिर्फ इनका लगाया है फोटो, और आप इससे भलीभांति फैमिलियर होंगे इससे। नाउ न्यूज 18, एक इनका न्यूज 18 जो है जनरल और रीजनल न्यूज है, जिसमें आप सबने देखा होगा न्यूज 18 के ऑन CNN न्यूज, न्यूज इंडिया, न्यूज 18, एंड देन बहुत सारे इनके रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनके इनके न्यूज के चैनल्स आते हैं। फर्स्ट पोस्ट ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है, वो बहुत ही गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल क्रिटिकली प्रेजेंट करती है। फिर इनका in.com भी है जो कि बड़ा फेमस पोर्टल है, एंड साथ ही में क्रिकेट नेक्स्ट, जिसमें कि क्रिकेट रिलेटेड सारी न्यूज़ अवेलेबल रहती है। और इन्होंने धीरे धीरे आप देखिए कि डिजिटल स्पेस में ऑलमोस्ट पूरे का पूरा गैम्बिट इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, और अभी आगे जाके ये और भी पिलर खड़े कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। और उनमें से कुछ और जो हमने अभी पीछे नहीं बता पाए, जैसे MTV बीट्स उनका है, MTV भी इनका है, VH1 भी इनका है, वूट तो आपको मैंने बताया है, कलर्स इन्फिनिटी बताया, कॉमेडी सेंट्रल इनका है, निकोलोडियन भी इनका है, निकोलोडियन सोनिक इनका है, निक जूनियर इनका है, टॉपर चैनल भी इनका है, और एंटरटेनमेंट में कलर्स के तो इनके कितने और चैनल्स हैं जो कि आप मतलब गिनते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप थक जाएंगे गिन गिन के। तो मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन्होंने कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट अब ऐसा लगता है कि वो अभी रिजल्ट्स देने वाली हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट के बाद जो अभी डेन नेटवर्क और हैथवे केबल जो कि नॉट ए पार्ट ऑफ नेटवर्क 18 है, उसको भी जब इनमें मर्ज किया जाएगा तो ये एक ऐसी एंटिटी बन के आएगी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, जो कि एक लीनर स्ट्रक्चर एंटिटी होगी, इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेल कंटेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक ही एंटिटी में होगा। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा प्रॉफिट मार्जिन्स आने वाले समय में इंक्रीज करेंगे, आपस में सिनर्जीज बढ़ेंगी, सिनर्जीज से इनका जो परफॉर्मेंस बढ़ेगा फाइनेंशियल, और उम्मीद है कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। कॉस्ट रिडक्शन तो होगी ही होगी, और ये फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी बन जाएगी, चाहे वो कंटेंट्स क्रिएशन हो, चाहे उन कंटेंट्स क्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। थोड़ी सी नज़र प्रॉफिट लॉस इस पर डाल लेते हैं। तो अभी नेटवर्क 18 का अगर आप प्रॉफिट देखिए, मैंने 2009 से डाला है और ये ईयरली प्रॉफिट है, तो आप देखिए कंसिस्टेंटली 2009 से ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, बीच में 2016 में प्रॉफिट दिखाया थोड़ा सा, और अभी भी ये लॉस मेकिंग इसलिए नहीं थी बिकॉज कि ये इनएफिशिएंट कंपनी थी। अगर आप यहाँ देखिए मार्च 2020 में इनको 569 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उनको क्योंकि वो खर्चा कर रहे थे, वो अपने चैनल्स बढ़ा रहे थे, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, उसकी वजह से उनको कुछ डेट वगैरह था, और जो भी था वो उनका इंटरेस्ट वगैरह मिला के आप देखिए उनका फाइनली लॉस 237 करोड़ आया है। अभी TV18 देखिए आप, शुरू में उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी किया था, तो 2009 से लेके 2013 तक तो लॉस में थे, फिर वो धीरे से प्रॉफिट में आना शुरू हुए, और 2017 के बाद तो इनका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हुआ है। कि अगर आप क्वार्टरली इनका नहा भी देखें और एनुअल इनका रिजल्ट देखें तो 6 करोड़ से 10 करोड़ से 167 और 242 करोड़, और इस बार भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देखिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स अभी आने शुरू हुए हैं, और ये मीडिया स्पेस में बहुत ग्रोथ अभी आने वाले समय में हो सकती है। हैथवे केबल और ये जो डेन है, ये अभी इसमें मर्ज होंगे। अब आप इनमें देखिए कि कितना अच्छा प्रॉफिट है इसमें, लास्ट ईयर 104 करोड़ आया था, और पिछले चार क्वार्टर का, जून से अगर हम पिछले चार क्वार्टर लें तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है। और इनको दिखाओ और इसी तरह आप डेन नेटवर्क देखिए, तो ये भी अभी प्रॉफिटेबल कंपनी है, 70 करोड़ था लास्ट ईयर और पिछले चार क्वार्टर का 117 करोड़ है।
तो हम अगर देखें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में नेटवर्क का 18 का मीडिया नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट का जो लॉस था 141 करोड़ था जो कि अभी घट के 62 करोड़ हो गया है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो प्रॉफिट था 18 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.94 करोड़ हुआ है। बट हमें इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, हमें साल के अंत में देखना चाहिए और इट इज़ बेटर कि ये कंपनी जो है इनको जजमेंट परफॉर्मेंस की ईयर एंड पे की जाए। हैथवे भी लॉस था 10 करोड़ वहां से प्रॉफिट में आगे 66 करोड़ और डेन नेटवर्क जो कि प्रॉफिट में था 11 करोड़ वो 59 करोड़। तो ओवरऑल लास्ट ईयर अगर हम चारों कंपनियों का प्रॉफिट मिलाएं तो लॉस था 121 करोड़ का और इस साल अगर हम सब कंपनियों का परफॉर्मेंस ऐड करें क्वार्टर एंडिंग जून में तो हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसका टोटल प्रॉफिट 63.94 करोड़ था और साथ में मर्जर के बाद क्या होगा, प्रॉफिटेबल तो होगी कंपनी, जीरो डेट कंपनी होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो इन सब चीजों से ये उम्मीद की जा सकती है कि मर्जर के बाद इस कंपनी को एक बेटर वैल्यूएशन मिलेगी और लोगों के जो कंसर्न्स हैं डेट के बारे में वो खत्म हो जाएंगे और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, जैसे ही ये कंपनी थोड़ी सी और ग्रो होगी इट इज पॉसिबल कि मुकेश अंबानी जी इसमें ऑन बोर्ड एक बड़ा इन्वेस्टर लेके आएंगे जो कि इस शेयर के लिए एक और बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। अगर हम लास्ट फोर क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें, एक तो हमने जो देखा वो ये जो हमने देखा ये तो हमने मार्च एंड तक का देख करेक्शन क्वार्टर टू क्वार्टर देखा था, लेकिन अगर हम जून तक के लास्ट चार क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो आपको देख के हर्षोल्लास होगा कि ये कंपनी जो है 363 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है लास्ट चार क्वार्टर में अगर हम चारों कंपनियों का हम प्रॉफिट ऐड करें। तो जेंटलमैन हम ये डेफिनेटली हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये कंपनी जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही परफॉर्म करेगी क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जैसा हमें लग रहा है कि इनका एक दूरदर्शी जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से हमें लग रहा है कि इस एंटिटी को मर्ज होने के बाद जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनी बनने वाली है जो कि जीरो डेट होगी जिसमें मार्जिन बेटर होंगे, वो मार्जिन क्यों बेटर होंगे बिकॉज इनका आपस में इंटीग्रेशन अच्छा होगा, लीनर स्ट्रक्चर होगा और जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। तो हमारा मुद्दा एम इस वीडियो में सिर्फ यही था कि आपको एजुकेट करना। तो मैं बेसिकली फिर से ये रिएट्रेट करना चाहूँगा कि हम ऐसे वाले वीडियोस आगे भी लेते आते रहेंगे आपके लिए और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये याद रखिए कि प्लीज़ हम फिर से रिएट्रेट करना चाहते हैं ये चैनल सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरी तरह से सलाह मशवरा करके और स्टॉक मार्केट के रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करें और हमारी वीडियो देखकर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।